अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मा हुसैन है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। हम काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि शुमाली इलाके जाया जाए और कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता था कि हम नहीं जा पाते थे, और लेकिन एक दिन फाइनली हम वहाँ के लिए रवाना हो ही गए। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि जिन जगहों को मैं सिर्फ तस्वीर में देखती थी वो अब जाकर खुद देखूंगी और अल्लाह की सुनाई की तारीफ करूंगी। और यकीन जानिए कि जब हम वहाँ गए तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी जन्नत में आ गए हैं, और या ये कोई परियों का देश है। और मैं आपको बताती चलूँ कि हमने वहाँ शंगरेला रिजॉर्ट स्कर्दू की लेक देखी, और गिलगित बल्तिस्तान में हमने एबटाबाद लेक देखी, हमने सतपारा लेक देखी, हमने कचूरा लेक देखी, और आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती की मिसाल तो आप सोच नहीं सकते वो किस कदर खूबसूरत है। खूबसूरत पहाड़, पुरसुकून, एक सुकून है वहाँ पर, बहते झरने, कुदरत का एक हसीन तोहफा है हमारे लिए, और एल्टिड फोर्ट जो वो भी लाजवाब है। व्यूसाइट की सहरंगेजी ने मुझे अपने अंदर वगैरह तक खींच लिया है, और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स ने वहाँ बहुत एंजॉय किया। शहर की मसरूफ तरीन ज़िंदगी में से अपने आप के लिए ज़रूर टाइम निकालिए और वहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिए। कुदरत की तारीफ किए बगैर आप रह न पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मा हुसैन है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। हम काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि शुमाली इलाके जाया जाए, और कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता था कि हम नहीं जा पाते थे, और लेकिन एक दिन फाइनली हम वहाँ के लिए रवाना हो ही गए। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि जिन जगहों को मैं सिर्फ तस्वीर में देखती थी वो अब जाकर खुद देखूंगी और अल्लाह की सुनाई की तारीफ करूंगी। और यकीन जानिए कि जब हम वहाँ गए तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी जन्नत में आ गए हैं, और या ये कोई परियों का देश है। और मैं आपको बताती चलूँ कि हमने वहाँ